एक बनिया था, 5 रुपए की रोटी बेचता था और उसको रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन वो राजा के परमिशन के बगैर अपनी रोटियों की कीमत नहीं बढ़ा सकता था। वो एक दिन राजा के पास गया और कहने लगा कि मैं रोटी को 10 रुपए में बेचना चाहता हूँ। राजा ने कहा 10 रुपए में नहीं, बल्कि रोटी की कीमत बढ़ाकर 30 रुपए कर दो। बनिया कहने लगा कि इससे तो पूरे शहर में हाहाकार मच जाएगा। तो राजा ने कहा कि फिर इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, अगर तुम 10 रुपए में बेचोगे तो मेरा इससे क्या फ़ायदा होगा, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मानो और रोटी की कीमत 5 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दो। दूसरे दिन शहर में 30 रुपए की रोटी बिकने लगी और पूरे शहर में हाहाकार मच गया। सारी की सारी जनता दौड़े हुए राजा के दरबार में आई और राजा से कहा कि महाराज 5 रुपए की रोटी शहर में बनिया 30 रुपए की बेच रहा है। राजा ने जनता के सामने गुस्सा दिखाते हुए सिपाहियों को हुक्म दिया कि कौन गुस्ताख है जो मेरी इजाज़त के बगैर 5 रुपए की रोटी 30 रुपए में बेच रहा है। लिहाजा उसको पकड़ कर लाया गया। बनिया जैसे ही दरबार में दाखिल हुआ, राजा गुस्से में खड़ा हुआ और कहा कि गुस्ताख, तूने मेरे इजाज़त के बगैर रोटी की कीमत बढ़ाकर 30 रुपए क्यों किया? फिर राजा खुद बोला कि ऐसा करो, कल से ये जनता जो है ये मेरी घर की तरह है और मेरे बच्चों की तरह है, कल से तुम इस रोटी की कीमत आधी कर दो वरना हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। दूसरे दिन से रोटी की कीमत आधी हो गई और दूसरे दिन से रोटी 15 रुपए की बिकने लगी। अब नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो चीज़ कल 5 रुपए की बिक रही थी वो आज 15 रुपए में बिकने लगी और सारी की सारी जनता खुश हो गई कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज ने 30 रुपए की रोटी 15 रुपए की कर दी। जनता भी खुश, राजा भी खुश और बनिया भी खुश। यही जो है हिंदुस्तान की इस वक्त की व्यवस्था का यही हालत है कि यहाँ पहले किसी चीज़ की कीमत को बढ़ा दी जाती है, जैसे 50 रुपए की चीज़ है तो उसको 200 रुपए की कर दी जाती है और फिर गवर्नमेंट उसको 5 रुपए 2 रुपए कम कर देती है और जनता इतनी बेवकूफ़ है कि इनके 2 रुपए कम करने से खुश हो जाती है और ये समझती है कि गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया।